दोस्तों आज का जो वीडियो है पुरुषों में होने वाली सेक्सुअल वीकनेस के लिए इम्पोटेंसी के लिए यानी उनको जो नपुंसकता जो आ रही है उसके लिए एक खास वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको जानकारी दूंगा होम्योपैथी की एक चमत्कारिक दवा जो कि इसमें इंस्टेंट रिलीफ देती है, इसमें तुरंत उसका असर देखने को मिलता है, जिसका कि नाम है योम्बिनम क्यू यानी योम्बिनम का मदर नेचर। आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर योम्बिनम क्यू काम में लिया जा सकता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और यह किस तरह से जो पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो डेवलप हो जाता है उसको दूर करने में हेल्प करता है, और उसके साथ साथ इसको लेने का क्या प्रॉपर तरीका है, किस तरह से इसको काम में लेना है, और साथ ही साथ ये आपको कहाँ पर अवेलेबल होगी, इन सभी के बारे में और उसके साथ साथ इसमें बरती जाने वाली कुछ सावधानियों की आपको जो जरूरत होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है या नपुंसकता जो होती है वो पुरुषों में आजकल बहुत ज़्यादा इसके केसेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता कई प्रकार से होती है, हो सकता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी जो कि एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है उसकी वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकती है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से, या आपको अगर आपका खान पान सही नहीं है, आपका आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आप उसमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आप जीते हैं, आपको इस तरह की जो कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से अक्सर जो है नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो शिकायत होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा कारण होता है जो होता है साइकोलॉजिकल, यानी आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी रहता है, आपको हमेशा घबराहट बनी रहती है, आप डिप्रेशन के शिकार रहे हैं, आपको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थकान रहती है, ऐसी जो कंडीशन होती है दोस्तों वहाँ पर आपको योम्बिनम लेने से बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह की जो इम्पोर्टेंसी जहाँ पर आपको अवसाद की शिकायत रही है, आपको स्ट्रेस एंजाइटी रहता है, आपको आपको घबराहट बनी रहती है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, आपको आपको लगता है कि आपको इरेक्शन होगा कि नहीं होगा, जब आप एक्टिविटी करने जाएंगे या रात को आप सेक्स करने जाते हैं तो आपको इरेक्शन आने में हो सकता है कि दिक्कत नहीं आ जाए, आपका सारा ध्यान वहाँ पर केंद्रित होता है और उसकी वजह से जो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कई दफ़ा देखने को मिलता है कि आपका डाउन हो जाता है और आपको इरेक्शन में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इस तरह की जो इम्पोटेंसी होती है जहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल कॉज देखा जाता है शारीरिक थकान के साथ, मानसिक थकान के साथ, उसको बोलते हैं न्यूरोस्थानिक इम्पोटेंसी। न्यूरोस्थानिक इम्पोटेंसी जो केस होते हैं उस केसेस में आपको योम्बिनम मदर नेचर एक खास दवा की तरह काम करता है, उसमें एक इंस्टेंट रिलीफ देने में काफ़ी हद तक मददगार होता है। योम्बिनम इस तरह की जो नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो आ जाता है वहाँ की एक खास दवा है योम्बिनम। दोस्तों अब हम बात करते हैं आखिर जो योम्बिनम है, योम्बिनम को ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको काम में लेने से इसमें रिलीफ मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अगर आप अवसाद में हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उसके साथ साथ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो गई है तो वहाँ पर योम्बिनम लेने से बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं और यह तुरंत असर दिखाती है। इसके साथ ही दोस्तों योम्बिनम जो है वह आपको जब नाइट में आप जब सोते हैं तो नाइट में आपको अच्छा इरेक्शन रहेगा आपको, लेकिन जैसे ही आपकी आँख खुलती है आपको इरेक्शन जो होता है वो चला जाता है, ऐसी कंडीशन में भी आपको जो योम्बिनम है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा योम्बिनम जो है वो आपके पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। इस तरह से दोस्तों योम्बिनम जो है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन को नपुंसकता को दूर करने की खास दवा, एक स्पेसिफिक दवा है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि योम्बिनम मदर नेचर जब भी आप लेते हैं तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, योम्बिनम लेते समय कुछ सावधानियां जो कि आपको बरतनी चाहिए। योम्बिनम के साथ में आपको जो ध्यान रखना है वो होता है अगर आपको पेट में कोई तरह का इन्फ्लेमेशन है, आपको इन्फ्लेमेशन की कोई तरह ऐसा है कि आपको मान लीजिए लीवर में आपको कोई तरह का इन्फ्लेमेशन है, कोई आपको प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, इसके अलावा आपको अगर पेनक्रियाज में कोई तरह का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वगैरह कुछ है, आपको अगर अल्सर है, आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है, ऐसी जो कंडीशन होती है वहाँ पर आपको योम्बिनम अपने डॉक्टर की सलाह बिना नहीं लेना चाहिए। ऐसी बातों में आपको योम्बिनम लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यह तो होगी इसकी सावधानी, अब हम बात करते हैं इसको लेने का क्या प्रॉपर तरीका है, किस डोज में आपको इसको लेना होता है। योम्बिनम जो है दोस्तों इसको लेने का बड़ा ही आसान तरीका है, आप अपने डॉक्टर की कंसल्ट से इसको आपको लेना होता है, और इसको लेने के लिए आप क्या करें, खाली कप लें, खाली कप के अंदर आप 10 बूंद योम्बिनम मदर टिंचर की डालें और उसके बाद में इसमें आधा कप गुनगुना पानी डालें। इस तरह से आपको इसको इसमें धीरे धीरे सिप बाई सिप आपको पीना होता है, यही जिसका लेने का तरीका होता है। इस तो दिन में 3 बार जो है आपको इसी सेम इसी तरह से आपको लेना होता है, यानी सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में 10-10 बूंद मदर टिंचर की डालकर आप इसको सिप बाई सिप पिए। दोस्तों आपके योम्बिनम जो है आपके नज़दीकी किसी भी अच्छे होम्योपैथी स्टोर पर, आपको किसी भी अच्छी कंपनी जैसे कि SBL का, WSI का या डॉक्टर रेगवा का बड़ी आसानी से आपके आसपास में अच्छे होम्योपैथी स्टोर पे मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कई दफ़ा आपको इसके साथ साथ भी और भी कुछ मेडिसिन की जरूरत होती है अच्छे रिजल्ट्स के लिए,
और कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना होता है यौन विनम लेते समय। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।